राम फाइनली कंप्लीटेड भाई, पर कितना प्यारा लग रहा है ये फैमिली। सभी लोगों का स्वागत हो गया है माइनक्राफ्ट में। हाँ, ये हमारे चैनल की फर्स्ट ऑफिशियल वीडियो होने वाली है, तो प्लीज इस सीरीज में थोड़ा प्यार दिखाना। और इस वर्ल्ड का नाम रखा है मैंने भैया जी एडिट किंगडम, क्योंकि मैं और कोई सूझ नहीं रहा था। और इस वीडियो में हमारे कुछ मेन मोटिव भी होने वाले हैं। फर्स्ट हमें अपने लिए आयरन का आर्मर बनाना है, सेकेंड अपने लिए हमें कुछ टूल्स बनाने हैं, और थर्ड हमें एक बहुत प्यारा सा वुड का मॉडर्न हाउस बनाना है। तो क्या हम ये सब कर पाएंगे? चलो चलते हैं वीडियो की तरफ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं भैया जी एडिट किंगडम में, बट यार ये कौन सा ग्लिच हो गया? आते ही रहा तो कोई कार्तिक भाई। गाइस, इस वीडियो में हमारे साथ कार्तिक भाई भी होने वाले हैं, इनके जगह का लिंक डिस्क्रिप्शन में, सब्सक्राइब कर दो भाई फटाफट। हमें विलेज ढूंढना पड़ेगा, वरना हम पे ज़ॉम्बी का अटैक हो जाएगा, और हम पे ना आर्मर है ना कुछ है, तो हम सीधा फिश हो जाएंगे। तो गाइस, मैंने इस वर्ल्ड का सीट लिया था, बट उस बंदे ने बताया था यहाँ आसपास विलेज है, पर भाई यहाँ तो कुछ नहीं है। एक सेकंड, कार्तिक भाई उधर कुछ है क्या? मेरे को कुछ दिखता ही नहीं, लड़कियाँ दिखती है मेरे को। ए, लड़की है क्या उधर? मैं आता हूँ अभी, आता हूँ। गाइस, इसको लड़कियों के अलावा कुछ दिखता नहीं है, पर मेरे को विलेज दिख गया। कार्तिक भाई फटाफट पहुंचो, वरना ज़ॉम्बी आ गया ना बहुत गंदी मारेगा। क्या मारने की बातें कर रहे हो? तेरी इसका माइंड तो और कहीं लगा पड़ा है। एक सेकंड कार्तिक भाई, यहाँ पर तो पूरी फौज खड़ी है। सोचा वरना ज़ॉम्बी आ जाएगा। तेरे मामा की बरात पे थोड़ी निकलो, सोने ही तो निकलो। ए स्केलेटन हट जा। ओ मैं निकलो, ओ तीर लेके अपने पिछवाड़े में घुसा ले। एक सेकंड, मैं घर में पहुंच गया हूँ। एक गेट बंद करो रे, ताला लगाओ। घर बोलते हैं, घर में बैठ नहीं है। इस मकान मालिक का 200 रुपए काटूंगा, 150 रुपए काटूंगा वैसे। अबे स्केलेटन भाई मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। वैसे मैं कुछ कह भी नहीं सकता, मैं एक नंबर का कहूंगा। अरे तू क्या सोया पड़ा? तेरे स्क्रिप्ट भूल गया। अबे तू उठ ना रे भाई, इसके मुंह पे पास मार दूंगा। अरे एक सेकंड, अबे पास मार दिया, बिल भी मांग रहा है। एक सेकंड, कौन बिल मांग रहा है? अब तेरी वो चाटा मार रहा है, और मैं रिसिप्ट के साथ बिल भरूंगा, और भी टैक्स लगा के। मुझे माफ कर दो। ए उठना है। अबे यार ये मिठाई की दुकान ही उठा के ले जाऊंगा। चलो हेलो नमस्ते। हाँ ज़ॉम्बी भाई आना मत। एक सेकंड, ओ ओ उधर, ओ चिकन तगड़ी खत्म हो गई। ओ उठ जाओ, ओ तू कहाँ सोया पड़ा है? मिठाई का पैसा दे दो। अबे नहीं, मैंने आज किश्त भर दिया, बस बिल रहता है। बिल भी नहीं बढ़ा, झूठ बोलता है। तेरी मामा की इधर आ, झूठ बोलता है। साज हूँ मैं, सर्व कर लिए तुम लोगों ने हमें मेंडिंग देने पर। अब हम ज़ॉम्बी विलेजर को क्योर करके उससे मेंडिंग खरीदेंगे। तरसोगे तुम अपने इस भूल पर? झूठ बोलना बंद कर नॉट गेमर फ्लीट। किस किस के लिए मेंडिंग खरीदोगे तुम? अगर यहाँ के विलेजर को दोबारा मौका मिल गया ना डेजर्ट टेम्पल में बसने का, तो आधे से आधा विलेज खाली हो जाएगा। तुम्हारा ये पागलपन तुम्हें भिखारी बना देगा। एमरल्ड का स्टैक लेके घूमोगे, मेंडिंग की बुक नहीं मिलेगी, आर्मर टूट जाएगा तुम्हारा। तीन बार मरने के बाद मैंने कार्तिक भाई से खाना लिया, और फिर मैं चला गया अपनी प्रोग्रेस करने। बहुत बढ़िया खाना था। हाँ, तो फिर मैं वहाँ पर लावा पूल मिला, और मैं चला गया लड़कियाँ तोड़ने। करो लड़की इकट्ठी करो। अरे तू क्या बोलता है भाई, तू क्यों? अरे यार पागल वागल है क्या थोड़ा सा भाई तू? लड़कियाँ इकट्ठी करने के बाद मेरे को मिलता है मंदिर, तो मैं वहाँ पर प्रसाद चढ़ाने चला जाता हूँ। मेरे 700 सब्सक्राइबर हो जाए, नमः। ओ तेरी गोल्डन एप्पल, बढ़िया सामान मिला यार। चलो यार कार्तिक भाई के लिए कुछ नहीं छोड़ते, सब चुरा लेते हैं फटाफट। चलो 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 चलो। कार्तिक भाई ने मेरे को बताया कि विलेज में 2 ब्लैकस्मिथ है, तो मैं दौड़ा फटाफट यहाँ पर ब्लैकस्मिथ की चेस्ट चेक करने आ जाता हूँ, और वहाँ पर मेरे को अच्छी खासी लूट मिल जाती है। उसके बाद हम पूरे विलेज को तबाह कर देते हैं। अच्छा, मैंने फटाफट अपने आप को अपग्रेड किया, वुड के टूल्स बनाए, देन स्टोन के टूल्स बनाए, और फिर अपने काम पे निकल गए। मेरा काम था कि मैं माइनिंग पे जाऊंगा, और कार्तिक भाई का काम था कि वो घर के लिए सामान इकट्ठा करेंगे। मेरे से मिली हुई लूट को मैं एक चेस्ट में रख देता हूँ, उसके बाद मैं अपना सामान इकट्ठा करने चला जाता हूँ। हमारे विलेज में ही कोई 3-4 ऐसे घर थे जिसमें कॉन्क्रीट लगे थे, तो मैं कॉन्क्रीट तोड़ देता हूँ। उसके बाद मैं स्प्रूस की बयान में चला जाता हूँ, क्योंकि हमें बहुत सारी स्प्रूस चाहिए थी, क्योंकि हमारा घर मेनली स्प्रूस और डीप स्लेट से बनने वाला है। तो कार्तिक भाई डीप स्लेट इकट्ठा करने गए हैं, तो मैं फटाफट यहाँ पर स्प्रूस तोड़ लेता हूँ। और हाँ, मेरे पे अपनी चेस्ट प्लेट नहीं है, प्लेट बनानी है, बट भाई यहाँ पर मेरे को एक डॉग मिलता है, मैं उसको 2 बोन देता हूँ, पर भाई वो इतना बड़ा भुक्कड़ निकलता है, मेरा दोस्त ही नहीं बनता। थू साला थू, पछताएंगे जब मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइब हो जाएंगे सपने में। फिर मैं एक केव में जाता हूँ, वहाँ पर मेरी बहुत बड़ी भयानक युद्ध हो जाता है। धन तना तना धेरे धिन तड़ा, धन तना तना धेरे धिन तड़ा। तो एक बंदा मेरी सक्सेस को देखते हुए मेरे से जलने लग जाता है, तो मैं उसको शमशान घाट पहुँचा देता हूँ। तो 600 सब्सक्राइबर है, मैं तुझसे जलूंगा? रुक जा, तू मुझसे जलेगा? तेरा तो अभी मैं दिया बुझा देता हूँ। अबे आयरन गोलम की तरह क्या मार रहा है?
और यहाँ पर एलवी शादो वर्सेस फुकड़ा इंसान हो रहा है। बिग बॉस में सिस्टम जीतेगा, सिस्टम फाड़ देंगे, तेरी तो पहले से भटी पड़ी है, चुप हो जा, जा। महासंग्राम के बाद मेरे साथ कुछ ऐसा होता है, हाँ मैं मर जाता हूँ ज़ॉम्बी से। अरे मैं बहुत बड़ा प्रो प्लेयर हूँ, आई एम पीवीपी कोड का फैन, हाँ पंखा हूँ मैं पंखा। चल 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 करते भाई, फटाफट गाड़ी निकाल, सामान लेने पहुँचना है। अरे यार अपनी ऑडियंस को पता नहीं अपन जादू करे, ए ए आई एम फस्ती का फस्ती, चुटकी बजा के सामान ले आता हूँ, ये देख रहे हो एडिट करने में मैंने कट किया, हाँ जादूगर मत समझना, घर पे मत बुला लेना, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कार्तिक भाई के लिए भी हेलमेट और वो चेस्टलेट बना ली थी, और चलो चलते हैं विलेज की तरफ। तो रास्ते में जाते वक्त मेरे को कार्तिक मिल जाता है, तो मैं उसको लाल दुपट्टा पहना के अपने बाइक पे बिठा के उसको घर ले आता हूँ। लॉन्ग ट्रिप मैं अपने घर लौटता हूँ और एक दान पेटी बना के उसमें अपने वस्त्र शस्त्र अस्त्र कस्त्र सब रख देता हूँ, एंड घर का सामान मेनली टिंग टिंग। तो कार्तिक भाई को बोलता हूँ, जो कार्तिक भाई सामान लाया डीप स्लेट, तो वो इस चेस्ट में रख दे, पर वो भाई मुझ पर ही फेंक देते हैं, कहते हैं मैं चेस्ट नहीं खोलूँगा साला, बड़े बदतमीज इंसान हो यार तुम तो। फिर मैं यहाँ पर डेकोरेशन का सामान लेने निकल जाता हूँ और कार्तिक भी ये लो अपने अस्त्र शस्त्र और वस्त्र। शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के, तो मैं अपना घर पर शुरू करता हूँ, एंड ये लो इसका सस्ता था टाइम लैप्स। ओके फाइनली अपना बहुत ही प्यारा सा हाउस बनकर रेडी हो गया, एंड 3 2 1 कमेंट में बताओ कैसा लग रहा है भाई, बहुत मेहनत लगी है, प्लीज यार एक लाइक तो कर देना मेरी और कार्तिक भाई की मेहनत के लिए। यहाँ पर अपना वर्किंग स्टेशन है नीचे, यहाँ पर अपने विलेजर काम करते हैं, एंड यहाँ पर फर्नेस भी लगे बहुत सारे। जैसे ही तुम यहाँ पर सीढ़ी पर लटक लटक के जाओगे तुम्हें अपने डॉगी मिलेंगे, एंड डॉगी के बाद जैसे तुम लटक लटक के सीढ़ी पर जाओगे तो तुम्हें यहाँ मिलेंगे अंकल जी पानी पिला दीजिए, अंदर जाके पी ले, बड़े बदतमीज अंकल है यार। तो गाइस इस सामने अपना बेडरूम है, इसको डेकोरेट करेंगे, अभी हमने डेकोरेशन का ज़्यादा कुछ किया नहीं है क्योंकि भाई ये एक्सटीरियर बनाने में बहुत मेहनत लग गई, स्टोन्स मेल्ट किए ये सब किया, एंड इस तरफ अपना चेस्ट रूम है देख सकते हो तुम। सब्सक्राइब फॉर पार्ट 2, बाय।